जय प्रभु कॉटन इंडस्ट्रीज वीजापुर के पार्टनर जयेश पटेल से हम commoditiescontrol.com ने कॉटन के प्राइस आउटलुक और कॉटन की उपज को लेकर के बातचीत की। जयेश भाई, इस साल गुजरात में कितनी कॉटन पैदा होने का अनुमान है? इस साल 1.25 करोड़ की पैदा होने का अनुमान है। ये पैदावार जो है वो पिछले साल से अधिक है या किस तरह की पोजीशन रही, क्योंकि यहाँ बारिश भी हो चुकी है एक बार भी? पिछले साल से इस साल अच्छी है, बारिश ज़्यादा हुई लेकिन थोड़ा बहुत डैमेजेस हुआ है, लेकिन उतना डैमेज नहीं हुआ है पिछले साल की तरह से। तो इस साल थोड़ी बहुत कॉटन ज़्यादा ही रहेगी कंपेयर टू लास्ट ईयर। जनवरी से आप कॉटन के प्राइस में किस तरह का मूवमेंट देखते हैं? जनवरी के बाद कॉटन के प्राइस धीरे धीरे अपवर्ड जाएंगे, क्योंकि अभी जो अराइवल है वो अभी जो अराइवल दिसंबर तक आने वाली वो फुल प्रेस में आएगी। फिर बाद में अगर कॉटन लो हो जाती है तो फार्मर भी यहाँ भी काफ़ी अच्छे हो गए तो वो भी जल्दी से निकालेंगे नहीं, बाज़ार में लाएंगे नहीं, तो इसके हिसाब से आउटपुट जो रहेगा वो स्लो हो जाएगा। तो उससे इसका हिसाब से धीरे धीरे कॉटन बढ़ेगी आगे, क्योंकि लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक जीरो जैसे ही हो गया था, तो सामने देखते हुए समझो ना 3.5 करोड़ का एस्टीमेट है, उसमें से 70-80 लाख तो एक्सपोर्ट होने वाली है। तो वो इसके हिसाब से और या इंडिया का कंजप्शन जो 2.40 का था वो 2.70 तक हो गया है, तो उसके हिसाब से धीरे धीरे कॉटन बढ़ेगी जनवरी के बाद। जी, गुजरात सरकार ने हाल ही में कॉटन के लिए टेक्सटाइल पॉलिसी अपनी एक डिक्लेयर की है, तो उसका किस तरह का असर आप आगे आने वाले समय में देखने को मिल सकता है? उसका असर तो कॉटन पे ज़्यादातर रहेगा नहीं, अभी तो 2-3 साल लग जाएंगे सभी यूनिट को आते आते। जो भी यूनिट आने हैं अभी सब स्टार्ट कर रहे हैं, करीबन 5-6 यूनिट आ गए हैं 25,000 स्पिंडल वाले, लेकिन जो मेजर आने वाले हैं उसके 3-4 साल लग जाएंगे, तब कॉटन का थोड़ा बहुत जो अभी आउट स्टेट जाता है एक्सपोर्ट जाता है वो कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ उन कंजप्शन गुजरात का ही हो जाएगा मेजर जी। और इस साल कॉटन एक्सपोर्ट की क्या स्थिति रह सकती है? कंपेयर टू पिछले साल थोड़ा कॉटन कम रहेगा एक्सपोर्ट में। लास्ट ईयर जो 1.10 करोड़ के आसपास हुआ था, इस साल 70-80 की अनुमान है, क्योंकि अभी फॉरेन का इतना प्रेशर में बाइंग नहीं है, उनको भी ये रेट थोड़े हाई पड़ते हैं उसके हिसाब से जी। तो कॉटन का जो भाव है वो आने वाले 2-3 महीने में किस रेंज में नीचे और ऊपर देखने को मिल सकता है कुल मिलाकर? ये लोअर रेंज में 900 तक जाएंगे कॉटन के रेट, और ऊपर में 1100 तक जनवरी के आसपास 1100-1200 आने की संभावना है जी। जयेश भाई, आपने commoditiescontrol.com से बात की, इसके लिए आपका धन्यवाद।